ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, बाढ़ एवं नियंत्रण मंत्री पहुंचे ननौता में दिवंगत विजय कश्यप के निवास पर और पीड़ित परिजनों के साथ संवेदना प्रकट की। साथ ही पत्नी व पिता से मिले और परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान उपक्षेत्रीय मंत्री मोहित बेनीवाल, कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, सांसद प्रदीप चौधरी कैराना, विधायक देवेंद्र निम, पूर्व विधायक राजीव गुम्बर, राज्य मंत्री जसवंत सैनी, देवबंद विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह, कृष्ण कुमार पुंडीर डीसीडीएफ चेयरमैन, विधायक चौधरी कीरत सिंह कंको, अजित सिंह राणा आदि उपस्थित रहे। कश्यप जी एक तपस्वी कार्यकर्ता, संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता, राजनीतिक क्षेत्र में एक ईमानदार और आज राजनीतिक क्षेत्र से अलग प्रकार के चमकने वाले ऐसे विजय कश्यप भारतीय जनता पार्टी के कद को बढ़ाने का काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के अपने माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़ाए, समाज में प्रतिष्ठा बनाए और भारतीय जनता पार्टी का विकास हो। वास्तव में इस प्रकार के जुनूनी कार्यकर्ता पार्टी के प्रांत कम मिलते हैं, उसी में एक विजय कश्यप थे जो हमारी विचारधारा, पार्टी के सोच को अपने व्यक्तित्व, कृतित्व और ईमानदारी के बदौलत समाज में संगठन को प्रतिष्ठा दिलाते थे। आज हमारे बीच नहीं है। मैं दुख के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के पार्टी को भी क्षति हुई है, व्यक्तिगत जीवन में हम लोगों को भी क्षति हुई है। हमारे मित्र भी थे और कभी भी, मैं पिछले जब से मंत्री बने हैं, कम नेता होते हैं जिसका जिले में या जनपद में, प्रदेश में एक बुराई करने वाला भी नहीं मिला। न उनकी कभी अपेक्षा रही, न महत्वाकांक्षा रही। पूरे परिवार को ऐसी शक्ति दे कि वो दुख को सहन कर सके, फिर परिवार खुशहाल हो। और बाकी हम सब भी, यह परिवार मेरा है और परिवार की चिंता करना हम सब का दायित्व है और कर्तव्य भी है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के नाते बच्चों की चिंता भी की जाएगी और धर्मपत्री ने कुछ मांगे उठाई है उनकी, कुछ क्या किस तरह की पूरी होंगी? बच्चों की चिंता करना है, कुल मिलाकर परिवार मेरा है, इसलिए परिवार की चिंता करना मेरा दायित्व है।